नमस्कार बेटा, सुप्रभात आप सभी को। हिंदी की अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हिंदी की पहली पुस्तक पर उसके गद्यांश भाग का एक चैप्टर, पद्यांश भाग ये दो चैप्टर और व्याकरण का जो एक चैप्टर है वो पूर्ण कर लिया है। हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित ही एक दूसरी पुस्तक है जिसका शीर्षक है संचयन, और संचयन की बुक के प्रथम जो अध्याय है उसके लेखिका है महादेवी वर्मा, और उस अध्याय का शीर्षक है गिल्लू। बड़ा ही साधारण सा शीर्षक है गिल्लू। क्या है ये गिल्लू? गिल्लू नाम से पता नहीं चल पा रहा कि गिल्लू वास्तव में है किसका नाम, और जो ये लेखिका है महादेवी वर्मा, इन्होंने इस पर ऐसी क्या कहानी बनाई है जो हमारे सिलेबस में चल रही है, और सिलेबस में उस कहानी को लाने का विशेष क्या कारण है। आज के समय में आप लोगों को पता है कि जो मानवीयता है, जो प्रेम और सौहार्द की भावना है, दया और परोपकार की भावना है, वो सारी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्वार्थ का बोलबाला है और हर कोई प्राणी अपने स्वार्थ को अंजाम देने के लिए अन्य किसी प्राणी को जीवन हानि भी पहुंचा रहा है, और इस कार्य में उसे तनिक भी घृणा नहीं होती, ग्लानि नहीं होती। यदि इस तरह की भावनाएं व्यक्ति के भीतर होती तो आज होने वाले जो अपराध हैं वो अपराध जो है कम अपने आप ही हो सकते थे, उसके लिए किसी कानून को पास करने की आवश्यकता नहीं थी। यह कहानी जो है एक विशेष छोटे से प्राणी गिलहरी के बच्चे पर आधारित है, और आज के समय में हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति या जो प्राणी है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए चाहे जानवरों से प्राप्त होने वाला मांस हो, जानवरों से प्राप्त होने वाली चमड़ी हो, सींग हो, या उससे बनने वाले कोई दूसरे उत्पाद हो, उन सारे उत्पादों को बटोरने और उससे ज्यादा आमद प्राप्त करने के लिए इन सारे जानवरों को मृत्यु के घाट उतार रही है, जो कि अनुचित है। और यही कारण है कि हमारे इस पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इस प्राकृतिक असंतुलन का बदला ही प्रकृति अपने रूप से लेती है, जिसका एक दृश्य हम आसपास के वातावरण में आज कोरोना संकट के रूप में सहन कर रहे हैं। तो बस यहीं पर इस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा इस प्रकार की कहानियों और संस्मरणों के माध्यम से लोक जीवन में या व्यक्तियों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है कि आज के समय में भी इन जीव जंतुओं के प्रति हमें दया और प्रेम की भावना अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रकृति के संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है लेखिका के परिचय की। महादेवी वर्मा कौन थी? महादेवी वर्मा, तो बेटा आप लोगों ने जब आठवीं कक्षा तक अध्याय किया तो आठवीं कक्षा या सातवीं कक्षा में भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानियों का अध्ययन अध्यापन किया होगा। जिन लोगों ने आरबीएसई बोर्ड जो 8th क्लास दी है उन बच्चों को ध्यान होगा, या फिर जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है उन बच्चों को ध्यान होगा कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कई कहानियां जिनमें नीलकंठ एक मोर का नाम है, नीलकंठ मोर का नाम है, वो भी इन्होंने पाल रखा था। इसी तरह से उन्होंने जो है अन्य प्राणी जिनमें सबसे अच्छी जो गाय है उसको पाला हुआ था, और उस गाय से संबंधित जो पाठ है उनके द्वारा रचित है। इसी तरह से और कई जानवर जो है उन्होंने अपने घरों में पाल रखे थे। तो ये जो कहानियां हैं ये हमें जानवरों के प्रति सहिष्णु या जो स्नेह और प्रेम की भावना बरकरार रखने की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले बात आती है लेखिका के परिचय की, तो ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई 1987 ईस्वी में। ये मुख्य रूप से छायावादी, काव्य गीत तथा संस्मरण और रेखा चित्र
लेखन कार्य में प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। इन सारी हिंदी साहित्य की विधाओं पर यानी काव्य गीत कविताएं लिखी। संस्मरण, ध्यान दीजिएगा, संस्मरण किसी प्राणी विशेष के जीवन से संबंधित ऐसी घटना जो हमारे संस्मरण यानी जो हमारे संस्कारों में ढल जाती है, जो हमारे स्मरण में, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे याद में एक ऐसा स्थान बना लेती है जिसे हम चाहे कितना भी भुलाना चाहे नहीं भुला सकते, जिसे आप जीवन की अविस्मरणीय घटना के रूप में जान सकते हैं, और वही बात संस्मरण में भी प्रकट होती है। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक ऐसा हिंदी साहित्य की गद्य विधा है, लिखने का तरीका है, जिसमें जो काव्यकार है या लेखन करता है वो शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है कि उसकी एक इमेज, उसकी एक साक्षात कृति जो है हमारे आंखों में, हमारी कल्पनाओं में अपने आप उभरने लगती है, वो कहलाता है रेखा चित्र। तो काव्य गीत लिखना, संस्मरण लिखना और रेखा चित्र लिखना, इन कार्यों में इनको प्रशंसा प्राप्त हुई। इनको अपने इन कार्यों के पीछे कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो सबसे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार मिला। साहित्य से संबंधित महान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई। बेटा मैं फिर से कह रही हूं कि गिल्लू इस संस्मरण को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो इस पाठ का उद्देश्य है कि आम जीवन में जितने भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और उनके संरक्षण के भाव भावी पीढ़ी में उत्पन्न करना, यानी पशु प्रेमी बनाना। अब बच्चों को शौक होता है, वो अपने घरों में कई तरह के पेट्स जो है, पालतू जानवर जो है वो पालते हैं। किसी के घर में कुत्ते पाले हुए हैं, कईयों ने बिल्लियों को पाल रखा है, कईयों ने खरगोश पाल रखे हैं, मतलब तरह तरह के जानवर जो है वो अपने घरों में पाल कर रखते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि वो पशु प्रेमी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो इन सभी जानवरों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना चाहते हैं। तो एक गिलहरी के माध्यम से माधवी वर्मा ने हमारे समक्ष इसी उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि गिलहरी जो है वो भी एक प्रकृति का महत्वपूर्ण प्राणी है और इस प्राणी को जो है इस प्रकृति के अंदर अन्यतम स्थान मिला हुआ है, उस प्राणी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और इसी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अन्य प्राणियों के प्रति भी हमें दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो आते हैं अपने चैप्टर गिल्लू पर। ध्यान दीजिएगा, गिल्लू जो है उस गिलहरी के बच्चे का एक नाम रखा गया था जो महादेवी वर्मा ने रखा। बात आती है गिल्लू, तो सबसे पहले जब आप पाठ की शुरुआत करोगे वहां दिया गया है लघु प्राण की याद। पूरे पाठ को पॉइंट टू पॉइंट मैंने डिवाइड किया है और उसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले लघु प्राण की याद। महादेवी वर्मा अपने घर के बारामदे में टहल रही थी और टहलते हुए उनके लॉन, जो घर के आगे उद्यान बना हुआ है, उसमें एक सोमजूही जिसमें पीले रंग के फूल निकलते हैं, उस सोमजूही के पौधे पर पीले रंग की एक कली दिखाई दी और उस कली को देखकर महादेवी वर्मा को अनायास इस लघु प्राणी की यानी छोटे शरीर वाले प्राणी की याद आ गई। क्या याद आई कि ये छोटा सा प्राणी इस सोमजूही के पौधे के आसपास ही घूमता रहता था और इसकी पत्तियों में छिप जाता था। जब महादेवी वर्मा वहां से गुजरती थी तो अचानक उछल कर उनके कंधों पर आता और उन्हें चौंकाने का प्रयास करता था, लेकिन आज वो लघु प्राण जीव इस संसार में नहीं है। और इस लघु प्राण जीव के बारे में महादेवी वर्मा कल्पना करती है कि इस जीव की जो
मृत शरीर है उसे इस सोनजूही के पौधों के समीप ही जमीन में गड्ढा खोदकर उसे वहां दफनाया गया था। तो जिस तरह से जड़ को सींचने से पौधे के ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, क्या पता महादेवी वर्मा सोचती हैं कि मुझे ऐसी कल्पना है, उस ऐसी आशा है और उम्मीद है कि क्या पता इसी पौधे पर एक कली के रूप में मुझे गिल्लू वापस से मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब पाठ की शुरुआत का दूसरा ही पॉइंट है कि गिल्लू से प्रथम भेंट कब हुई, प्रथम भेंट पहली मुलाकात गिल्लू कैसे मिला महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा अपने घर के बरामदे में टहल रही थी, तभी उनका ध्यान अचानक ही एक गमले के पास दो कौओं के छोम छोल यानी छुपम छुपाई के खेल को देखते हुए उनका ध्यान वहां आकर्षित हुआ। उनको लगा कि ये दो कौवे वहां छुपम छुपाई का खेल कैसे खेल रही हैं। जब उन्होंने गौर करके देखा तो पता चला उसी गमले के पीछे की तरफ एक छोटा सा लघु प्राण जीव जो अधमरी अवस्था में मरणासन अवस्था में पड़ा है और उन कौओं ने अपनी चोंच के प्रहार से उसको बिल्कुल घायल और निढाल कर दिया है। अब क्या होगा, वो गिल्लू जिएगा या नहीं। कौओं की चोंच के प्रहार से विष जो है उसके शरीर के अंदर उतर सकता है और उस लघु प्राण जीव के अंदर इतना हौसला नहीं कि उस कौओं की चोंच के प्रहार को वो ज्यादा देर तक सहन कर सके, क्या पता उसकी मृत्यु भी हो जाए। अब ये कौवे जो है वो कैसा स्थान रखते हैं, तो महादेवी वर्मा ने इसके विषय में कहा कि ये एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी है, समादरित और अनादरित प्राणी। ध्यान दीजिएगा, समादरित आदर देने योग्य और अनादरित आदर न देने योग्य। कौवे के विषय में हम कहते हैं कि जब भी श्राद्ध पक्ष आता है और श्राद्ध पक्ष में हम ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हंस या कबूतर का रूप लेकर नहीं एक कौवे का रूप लेकर के आते हैं और श्राद्ध पक्ष में जब उस कौवे को भोजन कराया जाता है तो ये मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें ये भोजन प्राप्त हो चुका है। तो इस रूप में हम श्राद्ध पक्ष में उन कौओं का आदर करते हैं, उल्टा उनको कागोस कागोस कहकर पुकार करके हम आमंत्रित करते हैं ताकि वो वहां पर भोजन खाकर चले जाएं। और दूसरी तरफ अनादरित, जब किसी व्यक्ति के बोलने का स्वर कर्कश होता है तो हम तुरंत उसे टोक देते हैं कि कौवे की तरह ये काव काव करना बंद कर दे, या हम ये मानते हैं कि कौवा जो है कर्कश आवाज के कारण पहचाना जाता है, इसलिए कौवे की कर्कश आवाज किसी को भी पसंद नहीं होती, इसलिए हम उसका अनादर भी करते हैं। ये भी मान्यता है कि जब किसी घर की छत पर कोई कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि कोई आगंतुक अतिथि या मेहमान आने का वो संदेश हमें पहुंचाता है, तो इस रूप में भी हम कौवे को आदर देते हैं। तो कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे एक साथ ही आदर भी दिया जाता है और दूसरी तरफ उसका अनादर भी किया जाता है। तो बताइए कि अब जो है कौवे की चोंच से घायल होने के बाद गिल्लू की क्या स्थिति हुई, तो गिल्लू का क्या किया उन्होंने, इलाज या उपचार के पश्चात गिल्लू की स्थिति। अब इलाज या उपचार क्या किया गया, हॉस्पिटलाइज थोड़ी किया गया, उसको अस्पताल में भर्ती थोड़ी करवाया गया, क्या किया, महादेवी वर्मा उसे हौले से अपने हाथ में लेकर के घर के भीतर लेकर आई, रुई के माध्यम से उसके शरीर पर जितना रक्त निकला था उस रक्त को पोंछा और पेनिसिलिन या एंटीसेप्टिक कोई क्रीम जो थी वो उसका मलहम जो है उसके शरीर पर घामों पर लगाया, रुई की पतली बाटी बनाकर उसे दूध में डुबोकर उसके मुंह में दूध की बूंदे डालने का प्रयास किया, लेकिन वो बिल्कुल अचेत था, बेहोश था, इसलिए जो दूध की बूंद है वो उसके मुंह पर गिर गई और दोनों तरफ दुलक गई। अब जो है महादेवी वर्मा ने कोशिश यह करी कि पानी की बूंद कम से कम उसके मुंह तक पहुंचाई जाए, तो उसी रुई की बाती के माध्यम से उन्होंने पानी की बूंद जो है उसके मुख में डालने का प्रयास किया और लगभग जो जैसे ही एक बूंद उसके गले से उतरी दो तीन दिन के अंदर वो जो गिल्लू है
वो वह अपनी यथा स्थिति में आ गया, उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वह जो है महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर एक तक उनको अपनी नीली नीली कांच जैसी आंखों से निहारने लगा। महादेवी वर्मा को लगा कि वास्तव में अब इसकी स्थिति सुधर गई है, अब ये वापस सही हो चुका है। तो अब क्या हुआ, अब जो है महादेवी वर्मा के उपचार के पश्चात जो है गिल्लू सही हो चुका था। अब गिल्लू का क्या क्रम था, लेखिका के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास। अब आपको पता है कि जब घर के मालिक से इतना स्नेह प्राप्त होता है तो उस प्राणी का जो लगाव है, जो आत्मिक संबंध है, वो उस मालिक से जुड़ जाता है। अब जो गिल्लू है वो लेखिका के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता, अब जैसे जैसे गिल्लू जो है थोड़ा बड़ा होने लगा, उसके शरीर पर स्निग्ध रोएं, यानी उसके पूरे शरीर पर कोमल कोमल जो बाल है और उसके आकार में भी थोड़ा सुधार हुआ, वो थोड़ा जो है अपने एक अच्छे गिलहरी के रूप में ढल चुका था। और ऐसे रूप में ढल करके वो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जब भी लेखिका लेखन कार्य करने के लिए बैठती तुरंत उनके पास आता और उन्हीं के पास से उनके पैर की ओर से चल कर सीधा पर्दे पर चढ़ जाता, सर से पर्दे से वापस से उतरता। उसका ये ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक की लेखिका अपने हाथों से उसे रोक ना दे और रोक करके उसे अपने लेखन कार्य करने वाली उस टेबल पर रखना दे। अब गिल्लू जो है इतना कार्य जो है लेखिका का ध्यान आकर्षण करने के लिए करता, लेकिन फिर भी बड़ा अनुशासित था। वो एक प्राणी होते हुए भी बहुत अनुशासित था। लेखिका ने अपने घर में कई तरह के जानवर पाल रखे थे, जिनमें नीलकंठ जैसा मोर, खरगोश, कुत्ते, बिल्लियां, गाय, इस तरह इतने सारे जानवरों से इस छोटे से प्राणी के जीवन की रक्षा करना भी बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन फिर भी वह प्राणी जो है लेखिका से इतना लगाव कर चुका था कि लेखिका उसे जो काम सिखाती बिल्कुल वह उसी काम को उसी रूप में करता था। लेखिका के ये सभी जानवर जो है लेखिका के बहुत समीप थे, लेकिन इनमें से किसी भी प्राणी की लेखिका के साथ भोजन करने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू उन सब में अपवाद था। अपवाद यानी इन सारे जानवरों में से गिल्लू बिल्कुल अलग था। गिल्लू जो है बिल्कुल अनुशासित था। किसी तरह से महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए जब वो कार्य करता था तो महादेवी वर्मा उसे अपने लेखन कार्य के टेबल पर अपने पास बिठा लेती। कैसे, कि कागज के एक लिफाफे के अंदर उसे डाल देती, तो दो पंजे अंदर के अंदर की तरफ, दो पंजे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ ही उसका मुंह निकला हुआ, और उस तरह से वो एक तरह लेखिका को कार्य करते निहारता रहता था। लेकिन बैठे बैठे कई देर हो जाती और उसे भूख लग जाती, तो चिक चिक की आवाज कर ये सूचित करता कि उसे भूख लगी है और उसका प्रिय खाद्य था काजू और बिस्किट। लेखिका जो है उसके पास जो है उसे काजू या बिस्किट खाने के लिए दे देती और अगले पंजों से धीरे से उस चीज को पकड़कर वो धीरे धीरे कुतर कर खाता रहता और जब तक लेखिका लेखन कार्य करती तब तक उनको निहारता रहता। जब भी लेखिका अपने भोजन के लिए भोजन कक्ष में प्रवेश करती तो गिल्लू तुरंत उनसे पहले ही आकर के उस भोजन की बेंच पर बैठ जाता। पहले तो वो क्या करता था कि लेखिका के भोजन के थाल में ही आकर बैठ जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे लेखिका ने उसे थाल के बाहर बैठना सिखाया और अब तो वो इतना अनुशासित हो चुका था कि चावल के एक एक दाने भी धीरे धीरे अपने प्यारे नन्हे नन्हे पंजों से चुप चुप कर खाने लगता और लेखिका उसके साथ जो है उसके खाने के क्रम को देखती रहती। इस प्रकार ये बहुत ही अनुशासित प्राणी बन चुका था। अब धीरे धीरे इसकी अवस्था में विकास हुआ और अवस्था में विकास होने के साथ ही जब इसके जीवन का प्रथम वसंत आया, उस प्रथम वसंत के कारण क्या व्यवस्था में परिवर्तन आया। प्रथम वसंत का परिवर्तन, पहले तो गिल्लू घर के अंदर ही रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ और वसंत के कारण, जब आपको पता है वसंत का जब भी मौसम आता है तो नीम, चमेली, गुलाब, इन सारे फूलों की एक मिली जुली खुशबू जो है चारों तरफ पर्यावरण में छा जाती है। इसी सुवासित खुशबू का प्रवेश जब लेखिका के घर में हुआ तो गिल्लू जो है वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर वो जो है अपने घर की एक बहुत बड़ी खिड़की जो है वहां जाकर बैठ जाता।
बाहर की गिलहरियों को जब पता चला कि यहाँ एक गिलहरी है तो वो भी उसी खिड़की के पास आकर चिक चिक की आवाज करके उसे बुलाने का प्रयास करती। अब महादेवी वर्मा को लगा कि ये प्रकृति का एक प्राणी है और इसे प्रकृति से अलग रखना उचित नहीं है, तो उन्होंने अपने ही घर की उस खिड़की में से एक कोने का कील निकाला, वहां की जाली हटा दी और उसी मार्ग से वो गिल्लू जो है बाहर जाया करता था और बाहर के वातावरण में खूब अच्छे आनंद लेकर उछल कूद कर गिलहरियों का नेता बना घूमता था और गिलहरियों के नेता के रूप में अपनी सारी क्रियाविधि करने के पश्चात लेखिका जब घर में प्रविष्ट होती तो उस समय वो घर में उनसे पहले ही पहुंच जाया करता था। लेखिका कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत होने के कारण वो जो है सुबह जो है अपने कार्य के लिए रवाना हो जाती थी। जिस समय वो अपने कार्यालय की ओर जाती उस समय गिल्लू उस खिड़की के उस द्वार से बाहर चला जाता, दिन भर वहां खेलता और जैसे ही 4 बजे के समय लेखिका के आने का समय होता उससे पूर्व ही लेखिका मुख्य दरवाजे से भीतर आती और वो खिड़की के द्वारा बनाए गए मार्ग से प्रविष्ट हो जाता। अब प्रविष्ट होने के पश्चात लेखिका के प्रति अपने लगाव को कैसे दर्शाता, लेखिका के पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक बार बार उतरने और चढ़ने का ऐसा क्रम करता रहता जब तक कि लेखिका अपने हाथों से उसे पकड़ ना ले। इस प्रकार जो है प्रथम वसंत आने के पश्चात उसके जीवन में बदलाव आया और वो गिलहरियों का नेता बन गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिलहरियों के नेता के रूप में उसकी भूमिका, गिलहरियों का नेता बना वो बाहर के वातावरण में अपनी क्रियाविधि किया करता था। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है बेटा कि यहाँ गिल्लू जो है उसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक बना दिया गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना दिया। बेटा आपको पता है संज्ञा में जब किसी पशु या पक्षी इस तरह से शब्द दिए जाते हैं तो पशु में तो सारे पशु शामिल हैं और पक्षी में सारे पक्षी शामिल हैं और गिलहरी में सारी गिलहरियां शामिल हैं। जिस तरह से कहा जाए मनुष्य तो मनुष्य में चाहे स्त्री हो या पुरुष सभी शामिल हैं, तो वो जातिवाचक रूप होता है, संज्ञा का जातिवाचक रूप होता है। उसी तरह से जातिवाचक रूप था गिलहरी, गिलहरी में सारी गिलहरियां शामिल हैं, लेकिन किसी विशेष गिलहरी को सूचित करवाया जाए तो महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी का नाम ही रख दिया गिल्लू, और जब किसी प्राणी विशेष का नाम दे दिया जाए तो वहां वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ गिलहरी का के बारे में कहा गया कि महादेवी वर्मा ने उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया था, अर्थात वो एक सामान्य गिलहरी थी लेकिन इसे कोई विशेष नाम दे दिया गया तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हमारे सामने अवतरित हुआ। बात हम क्या कह रहे थे कि गिलहरियों का नेता बना घुमा करता था। अब जो है गिलहरियों के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष। 2 वर्ष के पश्चात या 2 वर्ष की इसी जीवन अवधि में उनको जो है इस जीवन के क्रम से मुक्त होना भी पड़ता है। तो उससे पहले क्या होता है कि इसका प्रिय खाद्य था काजू और इस प्रिय खाद्य को वो बड़े ही मजे से खाया करता था और महादेवी वर्मा ने इसके लिए अपने घर के बरामदे में एक छोटी सी लकड़ी के सीपों से बनी हुई टोकरी में रस्सी बांधकर इसका एक झूला तैयार कर दिया था। एक बारी दुर्घटना ग्रसित होने के कारण महादेवी वर्मा अस्पताल में भर्ती थी और दुर्घटना ग्रसित इसी अपनी स्वामिनी के लिए गिल्लू जो है परिचारिका के रूप में उभर कर सामने आया, परिचारिका की भूमिका के रूप में उभर कर सामने आया। क्या बात क्या हुई, घटना क्या थी कि महादेवी वर्मा जब प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में कार्यरत थी तो एक बारी उनकी जो कार है वो दुर्घटनाग्रसित हो गई और दुर्घटना के कारण वो घायल हुई। घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब गिल्लू घर में अकेला था, महादेवी के जो परिचित लोग थे वो गिल्लू को घर में जैसे ही प्रविष्ट होते वो सोचते लेखिका आई है, वो तुरंत उनके पास जाता और किसी और व्यक्ति को देख करके वापस से अपने घर में अपने झूले में आकर बैठ जाता। वो महादेवी वर्मा के परिचित लोग जो है वो गिल्लू के झूले के पास जाते और उसका प्रिय खाद्य काजू वहां डाल आते
और वहां से चले जाते। जब लेखिका थोड़ी सही अवस्था में पहुंची और उन्हें अस्पताल से मुक्त कर दिया गया, जब वो घर पर बिल्कुल बिस्तर पर आराम करने की स्थिति में थी, तो उस समय जो है उन्होंने थोड़ा सा उठकर गिल्लू के उस झूले की सफाई की। सफाई की तो उन्हें पता चला कि जब तक महादेवी वर्मा अस्पताल में थी, घर में नहीं थी, तब तक उसने अपना प्रिय खाद्य काजू खाया ही नहीं, बल्कि झूले में जस के तक वो काजू पड़े मिले। तब महादेवी वर्मा को लगा कि वास्तव में गिल्लू जो है अपनी स्वामिनी के प्रति बहुत लगाव की भावना रखता है। अब जो है जब वो अस्पताल से छुट्टी लेकर के या अस्पताल से उनको मुक्त कर करके घर भेज दिया गया, घर पर भी बेड रेस्ट लेते हुए जब वो थी, तो गिल्लू क्या करता, उनके जैसा बिस्तर है उसमें सिराहने तकिए के पास जाकर के अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर में थोड़ी सी खुजलाहट करता, उनके बालों को संवारता, और बालों को संवारते हुए वो एक परिचारिका होती है, नर्स की भूमिका निभाता, वो अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करता ताकि लेखिका को थोड़ा आराम मिले। और जब लेखिका बिल्कुल स्वस्थ हो गई और वापस से लेखन कार्य में लगती, तो वो क्या करता कि गर्मी के दिनों में जब भी लेखिका अपने लेखन कार्य में लगती थी, तो वो बाहर नहीं जाता था, ना खेलने जाता था, ना बाहर जाता था, क्या करता था, लेखिका के समीप रहने का प्रयास करता था। अब समीप रहने के लिए उसने एक नया उपाय ढूंढ लिया था। एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, जैसे मटका होता है वैसे पुराने समय में बर्तन होता था, सुराही, जिसका मुंह का आकार इस तरह से लंबा होता था और इस तरीके से वो चीज बनी होती थी जिसके अंदर पानी रखा जाता था। ये जो हिस्सा है यहाँ जो है पानी की तरावट के कारण ठंडक रहा करती थी, और जो मुख्य गिलहरी है वो यहाँ पर यहाँ बैठ करके लेखिका के समीप भी रहती थी और ठंडक में भी रहती थी, और उसे बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। अब 2 साल के पश्चात मृत्यु की निकटता, जैसे जैसे 2 साल की अवधि बीतने लगी और वैसे वैसे जो है जो गिल्लू है उसका जीवन का अंत भी समीप आने लगा। हुआ क्या, लेखिका को कैसे पता चला कि इसका जीवन का अंत समीप है और अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है? तो क्या था कि एक बारी क्या हुआ, गिल्लू जो है वो अपने झूले में सो रहा था, झूले में सोते हुए उसे थोड़ा सा अजीब लगा। वो जो है अगले दिन ना तो खेलने गया और ना ही वह अपना प्रिय खाद्य काजू उसने खाया, पूरे दिन वो अपने झूले में रहा। रात्रि के समय वो अपने झूले से निकलकर वापस से लेखिका के कमरे में उनके बिस्तर पर आ गया। बिस्तर पर आकर के उसने जो है लेखिका की उसी उंगली को पकड़ा था जो उंगली उसने अपनी मरणासन अवस्था में पकड़ी थी, यानी जब बचपन में वो छोटा था और कौओं के चोंच से घायल हो चुका था, लेखिका ने उसकी सेवा की और जब स्वस्थ हुआ तो जिस लेखिका की जिस उंगली को उसने पकड़ा था, मरने की स्थिति में भी उसने लेखिका की उसी उंगली को पकड़ा। जैसे ही उंगली का स्पर्श प्राप्त हुआ, लेखिका की आंख खुली और लेखिका ने गिल्लू पे हाथ रखा तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा, उसके पंजे बिल्कुल ठंडे। तो लेखिका ने हीटर जलाकर उसके शरीर को थोड़ी गर्मी देने की कोशिश भी की, और जैसे ही प्रातःकाल का सूर्य उदय हुआ, तो प्रातःकाल की किरण के उदय के साथ ही गिल्लू जो है हमेशा के लिए किसी और जीवन में जागने हेतु गहरी नींद में सो गया। यानी ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को कि प्रातःकाल की किरण के उदय के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए गहरी नींद में सो गया। हिंदू संस्कृति की मान्यता है कि जब जीव के एक शरीर का नाश होता है तो उसकी आत्मा जो है किसी नए शरीर में पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने हिंदू संस्कृति की इस मान्यता को भी उजागर किया है कि जब गिल्लू का वहां अंत हुआ तो किसी और जीवन में जागने के लिए, यानी किसी और जीवन में प्रवेश पाने के लिए वो इस जीवन में हमेशा के लिए सो गया, अर्थात उसके मृत्यु हो गई। अब क्या किया, सोन जूही के पौधे से उसकी बहुत निकटता थी, लगाव था, और इसी लगाव को ध्यान में रखते हुए महादेवी वर्मा ने सोन जूही के पौधे की जमीन में ही खड्डा खोदकर उसे वहीं पर दफना दिया। और दफनाने के पश्चात जो अगला वसंत आया तो सोन जूही के पौधे पर कीली कली खिली, और उसी कली को देखकर जहां पाठ की शुरुआत हुई
उसी कलि को देखकर लेखिका को इस लघु प्राण जीव की याद आ गई कि जिस तरह से पौधे की जड़ में पानी सींचते हैं तो पौधे पर फूल या फल विकसित होते हैं, क्या पता इसी की जड़ में गिल्लू की समाधि बनाई गई। कल्पना करते हैं कि क्या पता इस सोनजुही की कली के रूप में गिल्लू भी वापस से कहीं से आ जाए, जो कि संभव नहीं था क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो प्राणी एक बार इस धरती से चला जाता है वो वापस से नहीं आता है। तो मुझे लगता है बेटा इन पॉइंट्स के माध्यम से ये पूरी कहानी जो है तो संस्मरण, संस्मरण यानी किसी प्राणी की ऐसी याद जो जीवन में बरकरार रहती है, जो हमेशा स्मरण रहती है, सम यानी जो हमारे संस्कारों में छप जाती है, जिसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन इस पूरी संस्मरणात्मक रचना को मैंने पॉइंट टू पॉइंट कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। कल इसका दोहरान लेते हुए इससे संबंधित प्रश्नों का कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर का कार्य करेंगे। धन्यवाद बेटा क्लास में उपस्थित होने के लिए और घर पर सुरक्षित रहते हुए इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से कायम रखें। धन्यवाद।